हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीपेट रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोगों का सीपेट फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट में जो भी आप लोग 10 HEI दिए थे उसमें से कहीं पर भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर कहीं पर भी आप लोग इंटीमेशन लेटर आप लोगों को नहीं मिला, तो आप लोग होप बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि अभी भी आपके पास चांसेस है। और ये पूरा जो भी प्रोसेसेस है मैं सभी का सभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना जो इंटीमेशन लेटर को या फिर लॉग इन करके चेक नहीं किया तो बता दूं अभी आप लोग क्लियरली कर सकते हैं। और कैसे किया जाता है उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उसका लिंक यहां पे आई बटन पे शो हो रहा होगा, यहां से आप लोग क्लिक करके पूरा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप अपना इंटीमेशन लेटर हुआ कि नहीं, सिलेक्शन आया है कि नहीं, उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा यहां से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अभी अगर मान लीजिए आपने चेक कर लिया और आप लोग का कहीं पे भी सिलेक्टेड नहीं आ रहा और इंटीमेशन लेटर का डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए कटअप के लिए। ठीक है, आप लोगों को वेट करना है कटअप के लिए और ये बहुत जल्दी लिंक अपडेट हो जाएगा सैम्स के वेबसाइट में। तो कटअप के लिस्ट आते ही आप जो जो 10 choices दिए थे उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस का कितना लास्ट कटअप गया है उसको ज़रा चेक कर लीजिएगा उसी के सैम्स के वेबसाइट में ही। और चेक करते ही आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि आप लोग सेकेंड सिलेक्शन में हो सकता है कि नहीं, spot 1 में हो सकता है कि नहीं, spot 2 में हो सकता है कि नहीं, वो सब आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास चांस है सेकेंड सिलेक्शन के लिए। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी आप लोगों का जिन लोगों का फर्स्ट सिलेक्शन हो गया है उन लोगों को फर्स्ट सिलेक्शन में एडमिशन करना मैंडेटरी है, जो लोग नहीं करेंगे एडमिशन उनका लिस्ट से नाम को काट दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्लियर सा बात है। और टाइम दिया गया है 16 और 17, और ये चीज़ ध्यान रखिए, ज़्यादातर क्या होता है 16 17 सिर्फ 2 ही दिन मिला है और ये 2 दिन काफ़ी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो इसी 2 दिन में अगर वो कर लिए तो सही बात, नहीं कर पाए एडमिशन तो उनका लिस्ट से नाम को काट दिया जाएगा। तो क्या होगा, जहाँ कहीं पर भी वो इंटीमेशन जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए वो डाउनलोड किए रहेंगे उस सीट वैकेंट रह जाएगा, वो वाला सीट वैकेंट रह जाएगा, उसके बाद वो सब पार्टिसिपेट करेंगे स्लाइड अप के लिए। ठीक है, स्लाइड अप के लिए। तो स्लाइड अप में क्या होता है, वो उन सभी को अपर चांस मिलता है, मतलब जो भी वो चॉइसेस में अपर चॉइसेस होंगे जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो सिलेक्ट हुए होंगे एडमिशन करने के लिए, उसके ऊपर में जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे उसके लिए स्लाइड अप होता है, कहीं पे आ सकता है कहीं पे नहीं आ सकता, ऐसा होता है। अगर स्लाइड अप में आ गया तो उनको मैंडेटरी होगा जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन ले होंगे वहाँ से TC लेकर जाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर अभी सीट वैकेंट रह गया तो उस सीट के लिए अभी सेकेंड सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सेकेंड सिलेक्शन में अगर आप लोगों का आ जाता है तो आप लोगों को भी सेकेंड सिलेक्शन में एडमिशन करना है। और सेकेंड सिलेक्शन में भी मान लीजिए नहीं आता तो आपके पास और एक चांस है, वो है spot 1 के लिए और spot 2 के लिए, यानी दो दो स्पॉट सिलेक्शन होंगे, ये भी याद रखिए। ये थोड़ा सा बेटर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने बोला कि आपको होप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि spot 1 भी होगा spot 2 भी होगा। तो spot 1 में अगर सिलेक्शन होता है तो आप लोग एडमिशन कर सकते हैं, और spot 1 में भी नहीं हुआ तो spot 2 में होगा। यहाँ पे जब spot 2 के और पहुँचेंगे आप लोग, क्या होता है ना, कोई यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेजेस या फिर कोई भी ऑटोनोमस डिग्री कॉलेजेस में क्या होता है, कोई 1 या 2 3 सीट्स वैकेंट रह जाते हैं। ठीक है, 2 3 उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, एंड मूवमेंट में बता रहा हूँ। ठीक है, एंड मूवमेंट मतलब यहाँ पे spot 2 का पूरा एंड मूवमेंट हो गया, इसके बाद और कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। तो spot 2 में आप लोगों का जहाँ कहीं भी वैकेंट सीट है वहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, सीधा जाके अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करते ही आप लोगों का जो अगर कॉटअप बहुत ही क्लोज रहा होगा या फिर मान लीजिए कोई आपके साथ कॉम्पिटिटर नहीं होंगे तो सीधा आप लोगों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा, मतलब एडमिशन के लिए आप लोगों को इंटीमेशन दे दिया जाएगा। तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि स्पॉट में आप लोगों का कोई भी कटअप नहीं देखा जाता, यानी कि जो भी वैकेंट सीट है ना तो वो कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं उसको फिलअप करने के लिए जो कोई भी परसेंटेज या फिर जिस किसी भी का परसेंटेज में वो कैंडिडेट्स को ले लेते हैं एडमिशन के लिए। इसीलिए spot 1 और spot 2 के लिए भी आप लोगों का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग होप बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर सेकेंड सिलेक्शन में भी नहीं होता तो spot 1 और spot 2 के लिए ट्राई कीजिएगा, लेकिन उससे पहले पहले आप लोग अपना कॉटअप को देख लीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आप लोग 10 HEI दिए थे, आप अपने जो भी इंस्टीट्यूशन के लिए 10 HEI बेस्ट दिए थे
उसी 10 ACA का कट ऑफ कितना गया है देख लीजिए, और उसी क्योंकि आप लोग उसी 10 ACA में ही कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप लोग कोई दूसरा दूसरा ACA नहीं कर सकते, स्पॉट के लिए बता रहा हूँ ठीक है। इसलिए आप उसी 10 ACA में आप लोग देखिए कट ऑफ कितना जा रहा है, उस बेसिस पे आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट के लिए। लेकिन अगर सेकंड सिलेक्शन में आ जाता है तो आप लोगों को स्पॉट में जाने का जरूरत भी नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए आप लोगों का सेकंड सिलेक्शन में कोई एक कॉलेजेस में है लेकिन आपको यूनिवर्सिटी जाना है, तो आप कॉलेजेस में तो पहले सेकेंड सिलेक्शन में एडमिशन कर लिए, अब आप चाहो तो स्पॉट में अगर उस यूनिवर्सिटी में कुछ सीट्स वैकेंट है तो वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और ये अप्लाई करने के बाद अगर मिल गया तो आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर सकते हो ठीक है। और आखिर में जाके आप लोगों को पे करना है, उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी वरी नहीं होना कि एडमिशन फी आप लोग इतने बार देना है, नहीं आप लोग पूरा आखिर में जिस यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूशन में आप लोग फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे आप लोग एडमिशन फी पे करना है। तो ये था आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल आइडिया मैंने बताया, जो कि आप लोग अभी भी बिल्कुल भी होप नहीं आना है, तो आप लोग पूरा डटे रहिए और देखते रहिए और वीडियो को फॉलो करते रहिए। अगर कुछ भी अपडेट रहता है तो मैं तुरंत आके यहाँ पे दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखते हैं ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक।